हेलो फ्रेंड, वेलकम टू तुल्य कोचिंग। जैसा कि आपको स्क्रीन पर दिख रहा है, DSSB वेबसाइट पर ये नोटिस जारी हुआ है और ये नोटिस बहुत ही इंपॉर्टेंट नोटिस है। बाकी कुछ डिफरेंट एग्जामिनेशन है जिसके लिए ये उसका एग्ज़ाम पैटर्न के बारे में जारी किया गया है। आगे बढ़ने से पहले मैं एक रिक्वेस्ट है, यदि आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हो, नए हो और आपको लगता है कि इस तरह का अपडेट, इस तरह का अलर्ट, इस तरह का न्यूज़, इस तरह का ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको भी चाहिए, तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बिल को ऑन रखिए ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। इस चैनल पर यानी अतुल्य कोचिंग चैनल पर हमारी टीम के द्वारा ऑल इंडिया बेस पर जो कि वैकेंसी आता है, चाहे वो टीचिंग का हो, नॉन टीचिंग का हो, डिफेंस का हो, तो सबसे पहले यहाँ पर हम लोग उसको अपडेट कराते हैं। तो यदि आप चाहते हैं कि आपको सबसे पहले आपके मोबाइल पर इसका नोटिफिकेशन मिल जाए तो आप इस चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को पूरा देखिए। क्या होता है कि वीडियो में जो भी हमारी टीम के द्वारा कहा गया है उसको पूरा पूरा समझने के लिए ये ज़रूरी है कि आप वीडियो को पूरा पूरा देखिए, तभी आपको हर बात आपको समझ में आएगा। कभी कभी क्या होता है कि बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट की बात हो या फिर इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम की डेट की बात हो, हम वेट कर रहे होते हैं लेकिन हमें नहीं मिलता है। तो चाहते कि हमें इस तरह का लगातार मिलता रहे तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए, हर अपडेट आपको सबसे पहले मिलेगा। चलिए अब देखते हैं डिटेल्स में। ये देखिए इसमें एग्ज़ाम मतलब ये नोटिस देखिए जो जारी हुआ है, ये 20 जनवरी को जारी हुआ है और आप देख सकते हैं यहाँ पर नोटिस, न्यू एग्जामिनेशन स्कीम फॉर द रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट बाय DSSP। अब देख लीजिए कौन कौन से एग्ज़ाम है जिसका कि जो पैटर्न है वो चेंज हुआ है। तो दिल्ली सबॉर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, दैट इज DSSB, आफ्टर हैविंग एक्नॉलेज द फैक्ट दैट द एग्जामिनेशन स्कीम ऑफ द फॉलोइंग पोस्ट हैज नॉट बीन डिफाइंड फॉर्मुलेटेड द स्कीम इन इट्स बोर्ड मीटिंग एज डिटेल बिलो, द स्कीम विल टेक इफेक्ट फ्रॉम 1 जनवरी 2021। 1 जनवरी से यह लागू हो चुका है। ऑल पेंडिंग रिक्विजिशंस एंड फ्यूचर वैकेंसीज ऑफ दिस मेंशन पोस्ट शैल बी फिल्ड अप इन अकॉर्डेंस विद द एग्जामिनेशन स्कीम। द डिटेल्ड स्कीम इज इनक्लोज्ड एट एनेक्सर ए। पहला इसमें जो नेम ऑफ द पोस्ट है, पहला प्रोटेक्शन ऑफिसर, इसमें दूसरा है आपका प्रोग्रामर, तीसरा असिस्टेंट, फिल्टर सुपरवाइजर, चौथा फिल्टर सुपरवाइजर, पाँचवा शिफ्ट इंचार्ज और 6th नंबर देख सकते हैं आप बैक्टेरियोलॉजिस्ट, 7th कारपेंटर सेकेंड क्लास, 8th सेल्समैन ग्रेड 1, 9th जनरल करस्पोंडेंस असिस्टेंट, 10th वर्कशॉप असिस्टेंट, 11th काउंसलर, 12th सुपरवाइजर डेटा एनालिसिस, 13th वर्क असिस्टेंट हॉर्टिकल्चर, 14th जूनियर मैकेनिक्स CSE, 15th वर्कशॉप अटेंडेंट इलेक्ट्रिकल वर्कशॉप, 16th जूनियर मैकेनिक इलेक्ट्रिकल, 17th जूनियर मैकेनिक ECE, 18th जूनियर मैकेनिक MAE, 19th TGT, डीफ एंड डम, 20th लेबोरेटरी अटेंडेंट। ये देखिए जो डिफरेंट यहाँ पर पोस्ट जारी किया गया है, इसी के बारे में जो अब नीचे को हमें मिलने का देखने का, ये देख लीजिए आप। ये मैं इस दिखाता हूँ आपको डिटेल न्यूज़ जो आया हुआ है, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ है। यदि इसमें से कोई भी एग्ज़ाम आपका है तो आपके लिए तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़ है और ये तो हमें पता होना ही चाहिए कि हम जो एग्ज़ाम देने वाले हैं उसके लिए एग्ज़ाम का पैटर्न क्या है। नहीं तो कभी होता क्या, कभी हम तैयारी कुछ और कर रहे होते हैं और एग्ज़ाम में कुछ और पूछ लिया जाता है, तो हम उस परेशानी में ना फंसें, उससे हम बचे रहें, तो उसके लिए ज़रूरी है कि इसको आप अच्छी तरह से देखिए। ये देख सकते हैं आप एनेक्सर जो है ए है और न्यू एग्जामिनेशन स्कीम DSSB। आप यहाँ देख सकते, पहले आप एग्ज़ाम कोड देख लीजिए यहाँ पर। ये एग्ज़ाम कोड अभी हमने जस्ट मेंशन किया था, ये देख लीजिए आप यहाँ पर। आप देख सकते हैं आप एग्जामिनेशन मोड, एग्जामिनेशन स्कीम और यहाँ पर IT 300 मार्क्स, उसके बाद देख सकते हैं ITG है और फिर ITT, इस तरह से ये देख लीजिए आप। ये कोड है और उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर देखिए इसका जो स्कीम आया हुआ है, ये ITG, इसमें जो वन टायर एग्ज़ाम होगा जनरल पोस्ट, और ITT जो है ये वन टायर एग्ज़ाम है टेक्निकल पोस्ट के लिए। और यहाँ पर देख सकते हैं आप इसमें कौन कौन से एग्ज़ाम है, आप देख सकते हैं यहाँ से, ठीक है। और ये जो ITG का एग्ज़ाम होगा 2 घंटे का होगा, 200 इसमें क्वेश्चन होगा और 200 मार्क्स भी होगा, ठीक है। और ग्रैंड टोटल यानी कि 200, और इसमें सब्जेक्ट देख सकते हैं यहाँ से, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस, रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ये 40 मार्क्स इस यानी कि 200 मार्क्स का आपका एग्ज़ाम होगा। दूसरा आप ITT देख दिया आप, इसमें क्या है, ये 200 मार्क्स का यहाँ भी एग्जाम होगा, 2 घंटे का होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 नंबर होगा
और 200 मतलब कि ग्रैंड टोटल इसका है। और उसके लिए जो इसमें है यहाँ पर इसमें दो सेक्शन में आपका एग्जाम होगा। सेक्शन ए देखिए आप, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग एबिलिटी, अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी, टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन, टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रीहेंशन। ये आपका 20 मार्क्स ईच होगा, यानी 100 मार्क्स का आपका ये होगा। और बी सेक्शन जो है इसमें ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब फॉर द पोस्ट, यानी 100 मार्क्स का आपका ये होगा। उसके बाद आप देख लीजिए ITT, ये भी 300 मार्क्स का आपका एग्जाम होगा और 3 घंटे का होगा आपका। देख सकते हैं यहाँ से 3 आवर्स, 300 क्वेश्चन, 300 मार्क्स। और यहाँ पर भी दो सेक्शन में आपका एग्जाम होना है। सेक्शन वन देख सकते हैं आप यहाँ पर 20 मार्क्स ईच। ये जो आपको यहाँ पर जनरल अवेयरनेस, मेंटल एबिलिटी एंड रीजनिंग एबिलिटी जो भी है यहाँ से इसमें, ये इसमें 5 डिफरेंट सेक्शन होगा और 20 मार्क्स ईच सेक्शन होगा, यानी कि 100 मार्क्स का आपका ये सेक्शन वन होगा। और टू सेक्शन टू जो है ये आपका 200 मार्क्स का होगा, जिसमें आपका मल्टीपल क्वेश्चन ऑन द सब्जेक्ट कंसर्न एज पर द क्वालिफिकेशन प्रिस्क्राइब इन द रिक्रूटमेंट रूल्स ऑफ द पोस्ट। और उसके बाद ITT में आ जाइए आप। ITT में भी 2 घंटे का पेपर होगा, 200 क्वेश्चन होगा, 200 यानी 200 मार्क्स होगा। और इसमें भी देख सकते हैं दो सेक्शन में एग्जाम होगा। सेक्शन ए उसमें 5 डिफरेंट सब्जेक्ट होगा 100 मार्क्स का, और सेक्शन बी जो है यहाँ भी आपका 100 मार्क्स का होगा, यानी टोटल आपका 200 का इसमें एग्जाम होना है। तो ये देखिए, ये जो स्क्रीन पर आपको दिख रहा है मैं एक बार फिर से दिखाता हूँ। यहाँ पर ITG, ITT, 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 तो यहाँ पर डिफरेंट जो इसमें कोड दिया हुआ एग्जामिनेशन कोड, यानी कि डिफरेंट पोस्ट के लिए। और ये पोस्ट मैंने अभी आपको मेंशन किया यहाँ पर, ये देख सकते हैं आप यहाँ पर ITG में कौन कौन सा आता है और ITT में कौन कौन सा आता है, यहाँ पर आप देख सकते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो ये एक बहुत बड़ा अपडेट है। यदि इसमें से कोई भी आपका एग्ज़ाम है और एग्ज़ाम देने के लिए आप जा रहे हैं, तो तैयारी आप इसके अकॉर्डिंग करिए ताकि आपका सिलेक्शन वहाँ पर पक्का हो सके। तो इसके लिए यानी कि ये जो अपडेट आपको दिया गया, ये हमारे चैनल पर यानी कि हमारी टीम के द्वारा, ये यानी कि DSSB का कोई भी अपडेट होता है, DSSB का, चाहे वो वैकेंसी आने की बात हो, चाहे वो एग्ज़ाम डेट आने की बात हो, चाहे वो रिजल्ट आने की बात हो, चाहे ज्वाइनिंग लेटर आने की बात हो, तो सबसे पहले आपको इसी चैनल पर हम लोग इसको अपडेट कराते हैं, यानी कि अतुल्या कोचिंग चैनल पर सबसे पहले हम लोग इसको जारी कराते, सबसे पहले हमको आप इसमें यहाँ पर आपको अपडेट कराते। तो हमारे चैनल से आप जुड़े रहिए और DSSB से रिलेटेड कोई भी मतलब अपडेट मिस ना हो, इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने मोबाइल का नोटिफिकेशन बेल जरूर ऑन कर लीजिए, ताकि हर अपडेट आपको लगातार यहाँ से मिलता रहे। मिलते हैं हम एक दूसरे वीडियो में, जहाँ पर हम इस तरह की और भी बातें करेंगे। तब तक इस वीडियो को इतना प्यार से देखने, सुनने, समझने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।